सरकार ने कानून वापस ले लिए हैं, क्या देखते हैं, कितनी मजबूर हुई इसके? सर को पहले मैं तन तन साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी प्रकाश उत्सव की पूरी कठोरी संगत को जिते जिते मीडिया की बात पहुंची है मैं सारे लख लख बधाई देता हाँ। उस दे नाल नाल ही जिवें तुसीं पुछिया है कि किसा कृषि कानून बारे जिवें सब नूं पता है कि पिछले एक साल तो लगभग समा हो चुका है जिते प्रोटेस्ट जो जारी सी वख वख बार्डर से जिदे विच इंडिया के तकरीबन 28 स्टेटां दे लोग सन जो धरने ते बैठे हुए सन जिहदी शुरुआत जिहड़ी सी पंजाब दी धरती तो होई सी कि पंजाब जिहड़ी धरती है गुरु पीरां दी धरती है हमेशा ही जदों भी जुल्म वध्या है वह भावें बाबर का होए भावें औरंगजेब का होए भावें हुण दा समां होए हमेशा ही मुजलूमां दी रक्षा लई जो लोगों की सेफ्टी लई जो हमेशा है सिखों बद्दी है उहदा जिहड़ा कानून सी जो सिख जिहड़ी पंजाब तों आवाज़ उठी सी उस दे नाल नाल ही वक् वक् स्टेटां दे लोग जुड़ते गए ते कानून कानून के खिलाफ आवाज़ उठी एक साल हो चुका सी जिहदे विच मैं दसना चाहवां कि 700 दे करीब जो किसान सन शहीद हो चुके सन जिहदे विच बीबियां भी सन जिहदे साडे नौजवान वीर भी सन कई साडे बजुर्ग भी सन जो घरां चों उत्ते बैठे सन शहीद हो चुके सन अज जिते असी गुरपुरब मना रहे हाँ उहदे नाल नाल सानूं एक जिहड़ा सरकार वल्लों समझो कि चुकी है ना कि तोहफा समझो वह चुकी है लोग कह रहे तोहफा नहीं है चुकी है सरकार जिहड़ी अन्नी बोली सरकार सी एक साल तो जो जो खिलवाड़ करी सी कृषि कानून इधर तक इन्हों आतंकवादी भी किया गया खालिस्तानी भी किया गया इन्हों जो आंदोलनकारी नहीं किया गया इन्होंने क्या कि ये अपने बेनीफिट लिए लोग बैठे हैं सर इदा के अज अदौल भी किया गया अज प्रधानमंत्री अपने मुँह मनिया है कि ये किसान हैं असली किसान हैं अज ये किसान अपने घर चल जाए पर एक दुख है कि जो साड़ी सरकार है हमेशा ही तक्का करती आई है इन्हें तक्का करने के कानून बनाए सन जो कि अज रद्द हो चुके हैं तो मैं एक जरूर गल कहना चाहवागा कि कठुआ मीडिया खासकर कि कठुआ के जो लीडर हैं बीजेपी की लीडरशिप है उन्होंने जो अपना गंदा जो प्रोग्राम से फेसबुक राही कहो तुम वट्सअप राही कहो अपना ड्रामा चला के रखिया इन्होंने बड़ा कुछ किया गया मैं उन्होंने लीडर कहता हाँ सीधे तौर पर कहना कि हिम्मत है उन्होंने गल कर कि खालिस्तानी सन ये कोई आतंकवादी सन कौन सन जो लीडरी है लीडरी करने का भी तरीका होंगे लोगों को लैके चलना होंगे तुम अपने आप लीडर तह कहोगे जो लोग चलेंगे दो बंदे लैके लीडर बनते हो अज उन्होंने मुँह से तमाचा है मैं फिर एक बार गुरु नानक देव जी गुरपुरब की लख लख बधाई देता हाँ नाल जी जित हुई है मैं सारे लोगों को सारे लोगों की जिते सिख की नहीं एक हिंदू की एक मुस्लिम की जो सच्चा किसान है जो किसान सही है उन्होंने जित है तो एक सरकार के मुँह से तमाचा है इन्नी बेनती प्रवान करिए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरू जी की सरकार कितनी मजबूर हुई फैसला वापस लेने वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह जो तकरीबन साल हो गया है किसान मजदूर एकता मोर्चा लाई जो रखा हुआ है अज जो कुछ भी होया है सरकार ने भावें नीवे बन के किया है भावें उन्होंने किसी भी ढंग किया है जो भी अच्छा किया है तो इस गल की सारे किसान मजदूरों को लख लख बधाई है एकता के नाल ही सारिया ताकत होंदिया ने सारी भलाई होंगी है सब कुछ मिलता है लख लख बधाई है गुरु नानक पातशाह के दिन दिहाड़े की जो एकता मजदूर को यह अपना कामयाबी मिली है वाहेगुरू जी का खालसा जो मलवी शहीद हो गए ने उन्होंने वास्ते भी अपने सरकार कोई ना कोई देना चाहिए है जो उन्होंने भी अपना योगदान बन जो दिता है जो नानक मोर्चे उन्होंने भी कोई ना कोई बनता है कि उन्होंने फैमिली परिवारों को कोई ना कोई दिता जाए वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू गई है और अभी उसको सही तरीके से अमली जामा जो है इन तीन काले कानूनों को जो है वो नहीं दिया गया क्या समझते हैं आप देखो तीन काले कानून जो हैं वो शुरू से ही किसानों को पता था कि उनके खिलाफ है सबसे पहले तो 1955 में जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट था वो लागू हुआ था जिसके तहत प्याज लहसुन दालें तिलहन इन चीज़ों का जो है वो एक जरूरत से ज़्यादा स्टॉक नहीं किया जा सकता तो उस समय जो लोग ज़्यादा स्टॉक करते थे उनके वहाँ छापेमारी होती थी तो वो रेट वो उस हिसाब से कम आते थे तो इस सरकार ने एक उद्योगपति को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए उस एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को खारिज किया उसके बाद वो स्टोर कर सकता था जितना भी माल चाहे तो ये सामने सामने इशारा था कि ये किसी उद्योगपति को फ़ायदा पहुंचा रहे तो जब अब सरकार ने देखा है कि पूरे देश का किसान सभी किसान एकजुट हो गए हैं वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो सही किसान है वो एकजुट हो गया था और उसका नतीजा इनको पिछले चुनावों में देखने को मिला तो सरकार को लगा कहीं ना कहीं कि हम इन काले कानूनों के साथ नहीं जा सकते आगे क्योंकि दुनिया भर में इन कानूनों को लेकर
बदनामी हो रही थी, देश की बदनामी भी हो रही थी, सरकार की बदनामी भी हो रही थी। तो इसलिए इस सरकार ने इस कानूनों को वापस लेना ही उचित समझा, जो हमें लगता है कि ये सही फैसला है। और सरकार को चाहिए कि किसानों की जो उचित मांगे हैं उनको माने और इस जो आंदोलन को सफाई रूप से खत्म। क्या लगता है सरकार जो है निकम्मी साबित हो रही है, पहले फैसला लेती है और लोगों आवाम को दिक्कत आती है? बिल्कुल, ये फैसला पहला मौका नहीं है कि जब सरकार निकम्मी साबित हो रही है। सरकार के कई ऐसे फैसले हैं जो उनको गलत पड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के हालात देख लीजिए, सरकार ने कहा था 370 तोड़ेंगे तो जम्मू कश्मीर में स्थायी रूप से शांति होगी, काला धन समाप्त होगा, आतंकवाद खत्म होगा, लेकिन हुआ उल्टा है। आज कश्मीर पूरा बंद है। तो कश्मीर में मिलिटेंसी जो है वो तेज़ी से बढ़ी है, इसमें कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेवार है। सरकार की जो नीतियाँ हैं वो जिम्मेवार हैं, क्योंकि इनकी नीतियाँ सोची समझी नहीं है। ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं, उस वोट बैंक की राजनीति में जो है वो देश का ये नुकसान कर रहे हैं और देश को सही मायने में तोड़ रहे हैं। क्या समझते हैं आने वाले इलेक्शनों में इस चीज़ को देखा जाएगा, मुद्दा बनेगा ये? कौन सा? यही जो किसानों का मुद्दा है, जिस किसान ने सोच लिया है पेट्रोल महंगा हो गया है, गैस महंगी है, क्या समझते हैं आने वाले चुनावों में? देखिए, आम जनता जानती है कि हिमाचल में इनको एक भी सीट नहीं मिली है, जमानत तक जब्त हुई है। वेस्ट बंगाल में जमानत जब्त हुई है, हरियाणा में एक सीट थी वो भी हार गए हैं, तेलंगाना में हारे हैं। तो जहाँ जहाँ एक एक सीट ये जीते हैं उन लोगों को अभी सरकार का पता नहीं चला है कि ये कैसी है, इसलिए वहाँ 2-4 सीटें जीते होंगे। इसीलिए सरकार को मजबूर होकर ये फैसला वापस लेना पड़ा था, डील तीन काले कानूनों का। तो इसके पीछे यही समझ आती है कि ये सरकार समझ गई है कि हम इन कानूनों को लेकर आगे नहीं चल सकते हैं और किसानों का आक्रोश हम नहीं झेल सकते हैं आने वाले चुनावों में। तो इसलिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो लीडर हैं किसानों के, राकेश टकेत, राज्यपाल साहब, जनूनी साहब, जो भी हैं, जो जितने भी हैं, और उन्होंने सत्यपाल मलिक जी का उनका स्पेशल तौर पे शुक्रिया करना चाहूँगा कि वो सरकार में रहते हुए भी उन्होंने बड़ा स्टैंड रखा है। और ये उन बीजेपी के नेताओं को चेतावनी है कि जो इनके कदमों में झुके रहते हैं और स्टैंड नहीं लेते हैं और गलत चीज़ को ये जानबूझकर सेट आने की कोशिश करते हैं। आप किसी भी पार्टी में रहो लेकिन अपना स्टैंड रखो सत्यपाल मलिक जी की तरह, और जो गलत है गलत को गलत कहना सीखो और तब जाकर यह है कि देश में स्थायी रूप से शांति और जो है उन्नति हो सकती है।